हे गाइस, दिस इज शिवा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे फ्रेजल वर्ब लुक फॉर के बारे में। लुक फॉर का मीनिंग और उसके कुछ एग्जांपल्स हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए गाइस, जान लेते हैं लुक फॉर। तो गाइस, इसका मतलब होता है ढूंढना, या इसे हम खोजना भी कहते हैं या तलाश करना भी कहते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूँ ताकि इसे आप और अच्छी तरह से समझ सके। तो गाइस, पहला एग्जांपल है, तुम क्या ढूंढ रहे हो, मतलब व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। मैं मेरी किताब ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर माई बुक, आई एम लुकिंग फॉर माई बुक। मैं एक नई नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, यानी मैं एक नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। क्या तुम एक नई नौकरी की तलाश कर रहे हो, आर यू लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, आर यू लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। तुम किसे ढूंढ रहे हो, हु आर यू लुकिंग फॉर, हु आर यू लुकिंग फॉर। मैं राम को ढूंढ रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉर राम, आई एम लुकिंग फॉर राम। मैं उसे ढूंढ रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉर हर, या I'm looking for him। अगर आप लड़की को ढूंढ रहे हो तो आप लगाओगे हर, अगर आप लड़के को ढूंढ रहे हो तो आप लगाओगे him। तो ये थे गाइस कुछ एग्जांपल्स और एक छोटी सी वीडियो फ्रेजल वर्ब लुक फॉर के ऊपर। जाने से पहले अगर वीडियो यूजफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको ऐसे ही वीडियोस और भी चाहिए। तो ज़रूर लाइक करें और अपने इंग्लिश सीखने वाले दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट करें। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंग्लिश प्रैक्टिस करते रहिए। सी यू गाइस, बाय बाय।